कितना सुंदर से फूल जी ये सब मिलके और देख सकते हो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरी न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत करना चाहती हूँ। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो थोड़ा मैं भी ठीक हो गई हूँ, अभी थोड़ा नहीं बहुत अच्छी हो चुकी हूँ, चल भी सकती हूँ अभी तो मैं थोड़ा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मुझे, मैं रेडी हो गई हूँ मॉर्निंग, अभी 9 बज रहे। तो हम लोग आज जा रहे हैं आसाम। तो घर पे बैठ के बहुत बोर हो गई थी, तो मेरा देवर जी जो है हमेशा आसाम जाती है मम्मी जी के घर पे। तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ घर पे, कितना बैठूँगी। तो मैं बेटी बेटा जा रहे, हस्बैंड नहीं जा रहे, तो देवर जी लोग आते ही होंगे। तो जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता खा लेती हूँ, तो मेरे वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। हाय, यामी नानू रेडी हो गया है। नानू खोए खीर, खीर खानो। मेरे नानू रेडी हो गए, मेरे नानू ना नानू। तो नाना हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये मेरे लिए अंडा पराठा, आधा खाइए ना। ये मेरे लिए अंडा पराठा, मैं बहुत पतली हो गई हूँ ना, इसलिए मेरे लिए अंडा पराठा, बाकी के लिए प्लेन। टेस्टी है ये पराठा जो है, मेरा हस्बैंड ने बनाया है। और ये खीरी में हम लोग निकाल रहे हैं, बेटी को पहुँचाने जा रहे हैं हस्बैंड, जो आ गए हैं देवर जी लोग। अभी हम चलते हैं, मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर में। नहीं जाने वाला आदमी भी आ गया, चलो अब चलते हैं। हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। इतना गर्मी है आज, इतनी धूप है। ये नहीं आएगा बोला, आ गया। ये हमारे घर की गेट है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हमारे यहाँ के रास्ते देखिए, कितना अच्छा है, कितना सुंदर, कितना प्लेन। वाह रे वाह, एक भी गड्ढे नहीं है, देख सकते हो कितना बढ़िया है। एक भी गड्ढा गुड्डी नहीं है डरी। चलिए दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए रे बाबा। नानू जा डैडी संग, जा डैडी सब बुके ना। नानू हिनो मैं हाफ पैंट पहना देगा ना। इतना खुश हो गया वो, अंदर में तो गर्म नहीं होगा ना, अभी हाफ पैंट पहनाएगा। हाय बोल दीजिए। यहाँ देख सकते हो हम दोनों जो है बीच पे नर्सरी नाम गया था, तो हम दोनों ने मनी प्लान लिया, देख सकते हो। ये प्लान का नाम क्या था? इसको मैंने 500 में लिया है, नाम पता नहीं है पर लिया है।
बड़ा सुंदर था कलर, इसलिए लिया। चल नानू, पता नहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा था क्या, पर वहाँ का सुंदर नहीं था क्या इतना। चलिए पहले मैं अंदर घूम के आती हूँ। डैडी की खबर, भले ऐसे नहीं कि खो यहाँ को प्लान आ रहा, सब बड़े निकाल दियो। ओए खो नमस्ते करेगा बड़ा मम्मी ले। छी 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 छी, मार्केट हमने मार्केट में मिली थी मम्मी को, सब्जी वब्जी लेने के लिए गई है मम्मी। अब मैं भी थोड़ा सा बाहर घूम के आती हूँ, किचन उचन देख के आती हूँ, हमारी किचन कैसे बनाई है थोड़ा देख के आती हूँ। सबसे पहले तो खाने के लिए क्या बनाई है हम देखती हूँ। क्यों बनाया दाल, अभी देखती हूँ। क्यों बेम्बू, अच्छा बेम्बू फ्राई जी, कौन खाएगा उतना चटनी। अच्छा ये है डेक्ची में राइस बना के रखा हुआ है। अच्छा ये दाल है, मिक्स इतनी बनाया, क्यों आज नहीं खाएगा। हाँ पूर्णे, पूर्णिमा बोलो ना, क्या पूर्णे ना ना मत नीचे मत छोड़िए उसको, बन गया हमारा लोकल किचन। अरे कस्तो कल कल आ रहा हो किचन को, वाओ रेडी। आए बेड भी बना दिया, अरे हमारे किचन में तो बेड भी लग गया रे बाबा, बाप रे यहाँ तो बेड भी लग गया रे बाबा किचन में। यहाँ में हम लोगों का लंच बना रहे हैं, बुढ़िया पोर्क पोर्क बना रहे, लोकल पोर्क हो गया रे बाबा। हम लोगों का सब्जी रेडी हो गया, यहाँ पे हमारे अंडे भी बॉईल हो गया रे बाबा, अभी खाने का है रे, चले खाएगा। यहाँ लोग कुक में देख सकते हो गर्मी से बाल भी क्या स्टाइल से बांध के रखा है आज तो, गर्मी की वजह से सब एक जगह में बैठा हुआ है। बड़ा मम्मी, मम्मी का दीदी वहाँ पे, मम्मी यहाँ पे, कूलर हम लोग का, एसी यहाँ पे, हम लोग का बुद्धि मेरा देवरानी, और यहाँ पे एक मेरा देवरानी, मैं सबसे बड़ी हूँ इसलिए आराम है, काम करना नहीं पड़ रहा है। ये लीजिए मैडम, आपने मीट बना के खिलाया, हम नींबू पानी बना के पिलाए। चलो चेस सोचो कि उसमें बैठ, वो टेरी बैर में बैठता है, ये कितना साल हो गया, 3 साल 4 साल, ये 2 साल होने वाला है, फिर भी देखो नानू को कितनी बड़ी लगती है। नानू फॉरेन कंट्री से आया ना, बता मैं बोलो बाय। बाय बाय, मेरे छोरी को लव बर्थ नहीं चुलवा टीवी को छेव में। चलिए चलिए लीजिएगा तो चावल, अब मिलते हैं 2-3 महीने के बाद। अय्या दिमाग खराब, फिर मिलेंगे। हाय 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 हाय, नमस्ते करो, बोलो कसा करो, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते 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 बाय बाय, खूब खूब नमस्ते, बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय। अकेला अकेला, वाह कितना मजा हवा, अब अति मजा आ, धान खेती
हम लोग आसाम का रोड देखो कितना बढ़िया है, एक भी गड्ढा नहीं है। वाह क्या बढ़िया रोड है। शुरू से बोला था जोनी। तो हम जो है घर पहुंच गए, तो देख सकते मेरे बाल क्या हालत हो गई है। किसी किसी दोस्तों में घर पहुंच के देख सकते हो आप लोग, डायरेक्ट डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो मैंने ये वेजिटेबल फ्राई कर रही हूँ, आलू, ये आलू और भिंडी, इसको डाल के मैं सिंपल सा फ्राई कर रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दाल को सीटी मार लिया है, लाओ और ये आपको क्या बोलते हैं चना दाल, मूंग दाल मिक्स करके मैंने सीटी मारा है। इसको मैं अभी तड़का लगाऊंगी, उसके बाद जो है लास्ट में खाना वाना बना के फ्रेश अप हो जाऊंगी। देखा दोस्तों, सब डाल दिया है, टमेटो ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ ना मैं, यहाँ पे देख सकते हो प्याज और टमेटो ये सब डाल दिया, हल्दी नमक सब डाल चुकी हूँ मैं। यहाँ पे जल्दी तड़का करूँगी, ये सौतकट दाल बना रही हूँ मैं, आज नया स्टाइल में बना के खिलाती हूँ। नाश्ता के लिए मटर भिजा के रख लिया मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ पे मेरा हो गया रे पापा, ये मेरे घर से आया है वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल सब्जी देख सकते हो, कितना बड़ा बड़ा टमेटो है नानू, और ये स्क्वाश आपका, और ये बीन्स है ऑर्गेनिक, देखिए ये लोकल मिर्च, ये मेरी मामा, मेरा सबसे छोटा वाला मामा जो गच्छम पे रहता है, और ये मेरा सिस्टर आशा बेच दिया है ये सब मिलके। और देख सकते हो कितना बड़ा कद्दू है, यहाँ देखिए, ओ माय गॉड कद्दू देखिए, ये ऑर्गेनिक कद्दू देखिए, बहुत टेस्टी होते खाने। और ये भी मेरा बहन बेच दिया आशा ने, और भी कद्दू था मैंने मेरे देवरानी को दे दिया। और ये आपका लाव है देख सकते हो आप, देखिए अभी मैं यम्मी यम्मी करके खाऊँगी इसको, देख सकते हो इसको मोमो बना के खाऊंगी। कितना बड़ा कद्दू है, एकदम मेरे जैसे साइज से मिलता है। एक गाना निकला है ना, उसमें डांस करना पड़ेगा, टुटू 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 टुटू, आजू नानू बोको तो यहाँ टुटू 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 टुटू। यहाँ पे नानू को देख, मेरी हालत देख सकते हो आप लोग, मैं पूरा अनफ्रेश हो गई हूँ रास्ते में, गाड़ी में अनफ्रेश हो गया। अभी मैं ये सारे सामान को जो है फ्रीज में मिला, कद्दू का सब्जी बना के खाते वक्त ना मेरा बोजू को दिखाना पड़ेगा दोस्तों, बोजू मतलब मेरे दादी को, क्योंकि मेरी दादी जो है उनको पता है कि मुझे कद्दू बहुत पसंद है। इसका नेपाल से डोलो पर्सन ही बोलता है, देख सकते हो एक प्लास्टिक बेचती है। थैंक यू सो मच मामा, थैंक यू सो मच आशा बोइनी। तो यहाँ पर डाल रही हूँ, तो अभी मुझे एक हफ्ते के लिए सब्जी खरीदना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेच दिया था दोस्तों, तो उसी टाइम पे मैं वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। यहाँ में हम लोग बस्ते से लाया चावल, और ये फूल को निकालना है, ये सारा मनी प्लांट है नानू मेरे बेटी के लिए, हम पोटी करने के लिए लेके आया था इसको, इसको क्या बोलती है पता नहीं, ये मेरा बेटा का था बहुत पहले ही खरीद किया वाला, तो मैंने आसाम पे रखा था, अभी मेरी बेटी जो गाड़ी बना के यूज़ कर। तो दोस्तों मेरा जो है डिनर भी पक चुकी है और सब कुछ हो गया है, अभी मैं फ्रेश अप भी हो जाऊंगी। तो आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों दिल से थैंक यू सो मच। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।